हाय फ्रेंड्स, विजय भागवत वी लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं क्राफ्ट करने जा रहा हूँ। कुछ मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड से हैं, तो ये कार्डबोर्ड से मैं स्टोरेज बॉक्स बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए बस मेरे पास बॉक्सेस रेडी है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर करना बाकी है। तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हाय ऑल, हमारे पास ये तीन बॉक्सेस ऑलरेडी हमने बना चुके हैं। ये हमारे स्टोरेज आइटम स्टोरेज के बॉक्सेस हैं और हमारे पास ये एक कार्डबोर्ड है, तो इसको यूटिलाइज करके हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे और हमारे बॉक्सेस इसमें इस तरह फिट होंगे और ये ओपन क्लोज करेंगे। तो चलो इसे बना दो, थोड़ा बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा। हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। सो ये हमारा बेस स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास कुछ टीवी के बॉक्स में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है, तो इसको हम ये बॉक्स में कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे। और ये होने के बाद हमारे जो ऑलरेडी मेड बॉक्सेस है इसको इस तरह से फिटिंग करेंगे, तो सो ये हमारे बॉक्स ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो चलो इसको चिपकाने के बाद देखते हैं कैसे दिखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा स्टोरेज बॉक्स रेडी है। या इस प्रकार हमने उसको ग्लू लगा के रेडी किया है। ये दो शीट इसको चिपका के इसमें सपोर्ट के लिए किया है, फिर भी इसमें यहाँ से थोड़ा ग्लू लगा के चिपका है। तो हमारा ये फ्रेम, हमारा ये बॉक्स बेस कंप्लीट हो गया। तो इसे हम ग्लू पेपर और ग्लू से एक बार वन कोट करेंगे, इसको और थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी। ये हमारे वैसे तो ओल्ड बॉक्सेस रेडी है, सिर्फ इसे चार्ट पेपर से एक बार कवर कर लेंगे तो ये नए जैसा हो जाएगा। चलो रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं और फाइनल लुक देखते हैं इसके कैसे दिखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे स्टोरेज बॉक्स रेडी है। इसको पेपर से एक बार कोट करेंगे, फाइनल कोटिंग होने के बाद इसको असेंबल कर देंगे। पेपर कोटिंग स्टोरेज बॉक्स यूजिंग ग्लू, तो इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद देखते हैं कैसा दिखता है। हर जगह पेपर से कोट करेंगे तो मजबूती मिल जाती है इसको फेविकॉल से। तो चलो इसे सूखने को रखते हैं, सूखने के बाद देखते हैं कैसा दिखता है।